फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड. पहला फैक्टर डेंसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला आप प्लीज अपने फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें कि किसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला है. साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला है लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड की एयर में. लिखें फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो. अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो. तो अगर गैस का प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी लिखें. तो आपको ना दो गैसेस देगा अलग अलग डेंसिटी की और वेलोसिटी की रेशियो पूछेगा. ये फॉर्मूला काम आएगा. तो पहला फॉर्मूला क्लियर है. दूसरा अफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी मॉइस्चर. एयर में मॉइस्चर होने से डेंसिटी कम हो जाती है. बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है. तो अगर डेंसिटी कम होती है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है. तो बढ़ जाती है वेलोसिटी बढ़ेगी. क्लियर है यहां तक? ठीक. नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर. टेम्परेचर में देखो PV इज इक्वल टू 1 मोल के लिए RT, 1 मोल के लिए. वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी. 1 मोल के लिए मॉलिक्यूलर मास है बाय डेंसिटी. यहां से P बाय रो एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ. इस P अपॉन रो की रेशियो को यहां पुट कर देते हैं, ये टर्म आएगी. तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर. ये साउंड की वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडर रूट ऑफ गामा RT बाय M. अंडर रूट ऑफ गामा RT बाय M. कई लोग जो KTG कर रहे थे ना, उनने मेरे से डाउट भी पूछा था कि सर देखना जरा ये फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा है. किसी को याद है इस बैच में था, फेस उठते ना, पूछा था ना अंडर रूट ऑफ गामा RT. मैंने कहा था वेव में करेंगे, क्योंकि KTG के अंदर वो कंफ्यूज कर रहा था. KTG में वेलोसिटी मॉलिक्यूल की निकलती है और ये साउंड की है. ये वेलोसिटी साउंड की है. KTG काम करता है वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल पे, पर वो चैप्टर में मिक्स करके देता है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं कि शायद ये मॉलिक्यूल की वेलोसिटी तो नहीं है, ये साउंड की वेलोसिटी है. ठीक. तो फॉर्मूला नोट हो गया यहां तक. नेक्स्ट है प्रेशर. 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT. टेम्परेचर, जब प्रेशर का अफेक्ट पड़ना है टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट लेना है. वॉल्यूम को लिखेंगे मास बाय डेंसिटी. प्रेशर बाय डेंसिटी एक तरफ, मास कॉन्स्टेंट है. तो P बाय रो इज अ कॉन्स्टेंट. अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता और आप प्रेशर को डबल करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो डेंसिटी भी डबल हो जाएगी ताकि रेशियो रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो अगर P बाय रो कॉन्स्टेंट है, गामा भी कॉन्स्टेंट है, तो वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट है. तो लिखें प्रेशर हैज नो अफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड. प्रेशर के चेंज होने से वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है यहां तक? तो डेंसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी है. टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है. प्रेशर का कोई अफेक्ट नहीं है. एम्पलीट्यूड समझते हैं. देखो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है. मैं बोल रहा हूं एयर के पार्टिकल हिल रहे हैं. मैं स्लो बोल रहा हूं ना, एयर के पार्टिकल कम हिल रहे हैं तो उनकी डिस्प्लेसमेंट अपने मेन पोजीशन से कम है. लेकिन अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है. एम्पलीट्यूड समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी. तो मैं ज्यादा फोर्स से, ज्यादा एनर्जी से बोल रहा हूं तो पार्टिकल ज्यादा एनर्जी से हिल रहे हैं. और अगर मैं बहुत ऊंची बोलूंगा, हो सकता है शीशे भी टूट जाए, इतनी एनर्जी ट्रांसफर होगी. पर यह नहीं है कि स्पीड तेज हो जाएगी. तो एम्पलीट्यूड का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है. तो एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता. एम्पलीट्यूड से आवाज ऊंची नीचे हो सकती है, एनर्जी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन स्पीड पे कोई असर नहीं. नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी या पिच. फ्रीक्वेंसी का स्पीड ऑफ साउंड से लेना देना ही नहीं है. क्यों? v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी ताकि प्रोडक्ट रिमेन्स सेम. v में कोई फर्क नहीं पड़ता. फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वेवलेंथ कम हो जाती है, वेलोसिटी रिमेन्स सेम. तो फ्रीक्वेंसी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता. विंड हवा में पड़ता है. अगर हवा उधर चल रही है, मैं उधर बोल रहा हूँ, वी और डब्ल्यू ऐड हो जाएंगे. और अगर ऑपोजिट है तो सबट्रैक्ट. तो वेक्टर सम हो जाएगा विंड का और वेलोसिटी ऑफ साउंड का. तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड है.